हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज सॉरी, वीडियो थोड़ी लेट है, पर फाइनली इस वीक का कोलिजन शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज हम जानेंगे कि इस वीक के कोलिजन शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के कोलिजन शो पर कौन कौन सी देखने को मिली है, इसलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए कोलिजन शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के कोलिजन शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के कोलिजन शो की शुरुआत सरप्राइजिंगली जॉन मॉक्सली ने की, जहां पर जॉन मॉक्सली शेन टेलर के खिलाफ अपना एक वन ऑन वन मैच देने के लिए आए थे। और गाइज यहां पर शेन टेलर जॉन मॉक्सली के सामने काफी बड़े सुपरस्टार थे, इसलिए अपने साइज का इस्तेमाल कर वो जॉन मॉक्सली पर काफी आसानी से अटैक कर पा रहे थे। पर मॉक्सली भी इस मैच के अंदर बने रहे, पर मॉक्सली के ज्यादातर अटैक का शेन टेलर पर कोई असर नहीं हो रहा था, जो देखकर मॉक्सली ने एक टाइम पर इस मैच के अंदर शेन टेलर पर एकदम रूथलेसली अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिस अटैक का शेन टेलर के पास कोई जवाब नहीं था। और यहां पर आखिरकार शेन टेलर पर अपना सबमिशन यानी कि बुलडॉग चोक लगाकर जॉन मॉक्सली ने यहाँ पर सबमिशन के सहारे मैच जीत लिया, क्योंकि सिंपली यहाँ पर जॉन मॉक्सली शेन टेलर पर अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट भी नहीं लगा पा रहे थे। पर शेन टेलर के मैच हारने के बाद यहाँ पर पता नहीं क्यों लेकिन ली मॉरेटी भी थोड़ी बार नाराज दिखाई दिए, लेकिन जॉन मॉक्सली ने यहाँ पर एक माइक लेकर बात करते हुए कहा कि साल 2024 जॉन मॉक्सली के लिए काफी इम्पोर्टेंट साल होने वाला है और इस साल के अंदर जॉन मॉक्सली किसी भी फाइट से बैक डाउन नहीं करने वाले, इसीलिए अगर किसी को जॉन मॉक्सली से कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो जॉन मॉक्सली के खिलाफ आ सकता है। पर वो सिर्फ इतना काम करे कि वो जॉन मॉक्सली के खिलाफ फाइट कर पाए, जो बातें यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही। और मॉक्सली यहाँ चले गए तो देखना पड़ेगा कि मॉक्सली का चैलेंज कौन एक्सेप्ट करता है। पर इसके बाद हमें शो पर समोज और हुक के मैच के लिए खाई वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद एडम कोपलन यानी कि एज यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर हर बार की तरह ही एज का एक ओपन चैलेंज था, जहाँ पर इस बार ये ओपन चैलेंज डांटे मार्टन ने एक्सेप्ट किया और इस बार ये मैच देखने के लिए मजा आने वाला था। और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही डांटे मार्टन ने इस मैच के अंदर डोमिनेट करते हुए एज पर अपने अच्छे खासे मूव्स लगाना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लगा कि एज यहाँ पर इस मैच के अंदर थोड़ी फार हील टैक्टिक्स कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो उन्होंने यहाँ पर एक टर्न बकल एक्सपोज कर दिया और इसके बाद एज इस मैच के अंदर डांटे मार्टन पर इस तरीके से अटैक कर रहे थे मानो कि वो एक हील सुपरस्टार है। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर डांटे मार्टन को भी एक फेस सुपरस्टार की तरह रिएक्शन मिल रहा था और क्राउड दोनों स्टार्स के बीच में इक्वल बटा हुआ था, जिस बीच में डांटे मार्टन की तरफ से अच्छे खासे मूव्स भी देखने को मिले। और एक टाइम के लिए डांटे मार्टन ने तो एज पर अपना फिनिशर भी लगा दिया था, पर एज यहाँ पर किस तरीके से रोप्स का सहारा लेकर इस मैच के अंदर बने रहे, जो देखकर इस पॉइंट तक फैंस इस मैच के अंदर काफी एक्साइट हो चुके थे। पर यहीं पर जब एक टाइम के लिए डांटे मार्टन फिर एक बार एज पर टॉप रोप से अटैक करने के लिए गए तो एज ने इसे अपने फिनिशर स्पीयर के अंदर कन्वर्ट कर लिया और सरप्राइजिंगली डांटे मार्टन को पिन करने के बजाय फिर एक बार उन पर अपना सबमिशन द ग्राइंडिंग लगाकर एज ने ये मैच जीत लिया है और ये उनके लिए काफी बढ़िया मैच रहा। और एज के मैच खत्म होने के बाद टोनी शिवानी फिर एक बार रिंग के अंदर गए, जहां पर एज का इंटरव्यू लेने वाले थे और यहीं पर बात करते हुए एज ने कहा कि एज को ये देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि एज का चैलेंज काफी सारे नए स्टार्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। पर एज को ये चीज देखकर भी काफी गुस्सा आ रहा है कि नए स्टार्स के सामने टिक पाने के लिए एज को काफी मेहनत करनी पड़ रही है, पर फिर भी एज को ऐसा करने के लिए मजा आ रहा है। लेकिन एज यहाँ पर सबको बताना चाहते है कि एज AEW कंपनी के अंदर उसी तरीके सबको आउटवर्क करने वाले है जैसा कि क्रिश्चियन केज ने कहा था जब वो AEW कंपनी के अंदर आए थे। और ऐसे क्रिश्चियन केज को भी आउटवर्क कर एज फाइनली वो TNT चैंपियनशिप वापस लेने वाले है और उस चैंपियनशिप को उसके असली जगह तक लाने वाले है, जो कि एज के कंधे, जो बातें यहाँ पर एज ने कही। और ऐसा कहकर एज यहाँ चले गए तो देखना पड़ेगा कि आगे चलते हुए एज क्या क्या करते हैं। लेकिन इसके बाद में कोरियन शो पर लेक्सी बैक्सटेज में ब्रायन डेनसन और क्लूडियो का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए ब्रायन ने कहा कि ब्रायन को पता है कि ब्रायन एडी किंगस्टन के सामने हार गए थे और वो ब्रायन के करियर का एक काफी बुरा फेस था, पर प्रोबेबली एडी के लिए उनके करियर की वो हाईलाइट होगी। पर ब्रायन एडी को बताना चाहते है कि एक बार जीतने से कोई बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार नहीं बन जाता और इस वीक ब्रायन और क्लूडियो एडी को उनकी जगह दिखाने वाले है, जो बातें यहाँ पर ब्रायन ने कही तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे ब्रायन क्या करते है। पर इसके बाद में लेक्सी फिर एक बार बैकस्टेज में टॉप फ्लाइट और डांटे मार्टन का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर लेक्सी डांटे मार्टन से बात कर ही रही थी, कितने में यहाँ पर प्राइवेट पार्टी आ गई और डांटे मार्टन को मॉक करते हुए प्राइवेट पार्टी ने कहा कि टॉप फ्लाइट पहले उनके खिलाफ हार गए और अब डांटे मार्टन सिंगल्स मैच भी हार गए हैं। पर एक्शन आंद्रेटी ने कहा कि सबको पता है कि मार्क क्विन ने उस मैच के अंदर चीटिंग की थी और रोप्स का सहारा लिया था और अगर वो ऐसा नहीं करते तो प्राइवेट पार्टी वो मैच जीतते ही नहीं, जो देखकर प्राइवेट पार्टी ने फिर एक बार यहाँ पर टॉप फ्लाइट को एक रीमैच देने के बारे में हाँ कहा और टॉप फ्लाइट ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तो देखना पड़ेगा कि जब फिर एक बार इन दोनों ही जबरदस्त टैग टीम्स के बीच में एक मैच होता है तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है। पर इसके बाद में शो पर थंडर रोजा अपना कमबैक मैच रिहर्सल करने के लिए आती हुई दिखाई दी, क्योंकि अपने बैक इंजरी के बाद थंडर रोजा का ये फर्स्ट सिंगल्स मैच था
और फिर एक बार थंडर रोजा का ये मैच किसी और खिलाफ नहीं बल्कि क्वीन एमिनाटे के खिलाफ हो रहा था, जहाँ पर आपको तो पता ही चल चुका होगा कि वो AEW के टेलीविजन पर काफी फ्रीक्वेंटली फीचर हो रही है। पर जहां तक बात इस मैच की, तो गाइस फिर एक बार क्वीन एमिनाटे और थंडर रोजा इन दोनों ने कोलिजन शो पर ये काफी जबरदस्त मैच दिया है। और माना कि थंडर रोजा अपने बैक इंजरी से रिकवर कर रही थी, लेकिन इस मैच के अंदर क्वीन एमिनाटे ने भी थंडर रोजा को काफी बढ़िया तरीके से कैरी किया है, जिससे कि इन दोनों की इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त रही है। और कई बार क्वीन एमिनाटे थंडर रोजा के पीठ को भी टारगेट करती, लेकिन फिर भी थंडर रोजा इस मैच के अंदर बनी रही और आखिरकार आउट ऑफ नोवेयर क्वीन एमिनाटे पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर थंडर रोजा ने अपना एक कमबैक मैच जीत लिया है। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलते उनके साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि लेक्सी बैकस्टेज में ओर्टिज और एडी किंगस्टन का इंटरव्यू ले रही थी और लेक्सी ने पूछा कि ये टैग टीम के अंदर किस तरीके से काम करने वाले है, और ओर्टिज ने कहा कि माना कि इनके बीच में कई सारे डिफरेंसेस हुए थे, लेकिन आखिरकार ये फैमिली है और ये आखिरकार साथ मिलकर काम कर पाएंगे। पर ब्रायन और क्लूडियो कभी साथ मिलकर काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एक फैमिली नहीं है, जो बातें ओर्टिज ने कही। लेकिन यहीं पर एडी ने कहा कि एडी इस चीज से काफी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि उन्हें अपने मैच से पहले इंटरव्यू देना होता है, क्योंकि एडी अपने मैच से पहले अपना टाइम मैच की प्रिपरेशन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहे। ये कहकर एडी तो इंटरव्यू छोड़कर चले गए, जो देखकर हम समझ सकते हैं कि एडी का कैरेक्टर सच में काफी जबरदस्त है। लेकिन इसके बाद हमें कोलियन शो पर बुलेट क्लब गोल्ड आता हुआ दिखाई दिया और यहाँ पर रिंग के अंदर आकर बातें करते हुए जे व्हाइट और बुलेट क्लब गोल्ड ने कहा कि फाइनली बुलेट क्लब गोल्ड ने वो कर दिखाया है जो कि वो कह रहे थे, और उनके पास भी गोल्ड आ चुका है और वो बन चुके हैं रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के सिक्स मैन टैग टीम चैंपियंस। लेकिन अब भी जे व्हाइट को ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरीके से फुलफिल नहीं है, और जे व्हाइट की बातें सुनते ही सरप्राइजिंगली यहाँ पर गन्स ने रिंग के नीचे से जूस रॉबिन्सन का एक कार्डबोर्ड लाया, जैसा कि इसके पहले बुलेट क्लब गोल्ड ने जे व्हाइट के साथ किया था। लेकिन इस बार जूस रॉबिन्सन को साथ में देखकर जे व्हाइट ने कहा कि उन्हें लग रहा है कि वो फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं, और बुलेट क्लब गोल्ड यहाँ पर सेलिब्रेशन कर ही रहा था कितने में यहाँ पर द अक्लेम आ गया और बुलेट क्लब गोल्ड से बात करते हुए द अक्लेम और बिली गन ने कहा कि माना कि बुलेट क्लब गोल्ड अब फाइनली चैंपियन हो चुका है, पर बुलेट क्लब गोल्ड को नहीं भूलना चाहिए कि वो द अक्लेम की वजह से चैंपियन बने हैं, क्योंकि अक्लेम ने बुलेट क्लब गोल्ड के मैच के अंदर शिनानी का सोने से रोका था और अब दोनों के पास भी चैंपियनशिप्स आ चुके हैं। तो क्यों ना आगे चलते हुए ये अपनी एक टीम फॉर्म कर ले और द डेविल और उनके आदमियों के पीछे जाए, जो प्रपोजल फिर एक बार द अक्लेम ने बुलेट क्लब गोल्ड के सामने रखा। पर इस बार इन्होंने क्लियर कर दिया था कि इनका आखिरी प्रपोजल है, और द अक्लेम के ऐसा कहने के बाद बुलेट क्लब गोल्ड ने इस पर सोचा और गाइस फाइनली बुलेट क्लब गोल्ड और द अक्लेम दोनों यहां पर यूनाइट हो चुके हैं, जो देखकर पूरा का पूरा क्राउड भी काफी खुश था और क्राउड के अंदर बैंग बैंग सीजर गैंग के चैंट्स भी लग रहे थे। तो देखना पड़ेगा कि जब ये दोनों ही फैक्शंस एक साथ आ चुकी है तो आगे चलते हुए क्या क्या करते हैं। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर टोनी स्टॉर्म का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर हमने देखा कि मराया में तो काफी नाराज थी कि डियाना पुराजो ने टोनी स्टॉर्म की इंसल्ट की है, और ये देखकर मराया में काफी गुस्सा हो रही थी। और मराया में की हालत देखकर टोनी स्टॉर्म ने यहां पर डियाना पुराजो से कहा कि वो फाइनली डियाना पुराजो से डील करने के लिए तैयार है। तो देखना पड़ेगा कि जैसे इनकी स्टोरी स्टार्ट होती है तो हमें आगे इनके साथ क्या क्या देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर बड़ी मैथ्यूज एक वन ऑन वन मैच के अंदर डेनियल गार्सिया को फेस करते हुए दिखाई दिए, पर गार्सिया की तरफ से इस मैच के अंदर कमबैक के तौर पर हमें FTR पे आता हुआ दिखाई दिया, और इसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और जैसे ही मैच शुरू हुआ, वैसे हमें इस मैच के अंदर गार्सिया और बड़ी मैथ्यूज इन दोनों की तरफ से काफी जबरदस्त मूव्स देखने को मिले है। और गाइस इन दोनों यंग स्टार्स ने यहाँ पर अपनी इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है कि पूरा का पूरा क्राउड भी ये मैच स्टार्ट होने के 5 मिनट के अंदर ही दोनों के लिए काफी बढ़िया तरीके से चैंट्स कर रहा था। तो जरा सोचिए कि मैच कितना जबरदस्त होगा, और मेरे हिसाब से तो इस मैच ने एक्शन पर एकदम 100% डिलीवर किया है, और गार्सिया को भी इस मैच के अंदर कई बार शाइन करने का मौका मिला है। और ये पर इस मैच के आखिरी मोमेंट्स पर जब बड़ी मैथ्यूज गार्सिया पर एक पावर बॉम्ब लगाने के लिए गए, तो गार्सिया ने इसे आउट ऑफ नोवेयर एक रोल अप पिन के अंदर कन्वर्ट कर लिया, और गाइस गार्सिया ने ये मैच जीत लिया है, जो देखकर बड़ी मैथ्यूज और हाउस ऑफ ब्लैक ने यहाँ पर गार्सिया पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और ये देखकर FTR भी रिंग के अंदर आई, और यहाँ पर एक काफी बड़ा ब्रॉल हो रहा था, जहाँ पर सरप्राइजिंगली इस ब्रॉल को रोकने के लिए ना सिर्फ रेफरीज बल्कि AEW का पूरा लॉकर रूम आया, और ये देखकर पूरा का पूरा क्राउड भी चैंट्स कर रहा था कि लेट देम फाइट, पर सभी को यहाँ पर सेपरेट कर लिया गया। तो देखना पड़ेगा कि अभी राइवलरी इतनी इंटेंस हो चुकी है तो आगे इनके बीच में क्या क्या होता है। पर इसके बाद हमने डायरेक्टली देखा कि लेक्सी बैकस्टेज में FTR और गार्सिया का इंटरव्यू लेने के लिए गई, पर यही पर बात करते हुए FTR ने डायरेक्टली हाउस ऑफ ब्लैक को एक केज मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। तो देखना पड़ेगा कि हाउस ऑफ ब्लैक ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है या नहीं, क्योंकि इस बार FTR हाउस ऑफ ब्लैक को आखिरकार ठिकाने लगाना चाहती है। लेकिन इसके बाद में कोलिजन शो पर रॉडरिक स्ट्रॉन्ग एक वन ऑन वन मैच के अंदर मैट सैडल को फेस करते हुए दिखाई दिए, और गाइस फिर एक बार इस वीक के कोलिजन शो पर ये मैच एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहां पर हमें फिर एक बार मैच की शुरुआत में थोड़ी फार टेक्निकल रेसलिंग देखने को मिली, पर मैट सैडल ने फिर एक बार इस मैच के अंदर अपने काफी बढ़िया मूव्स लगाकर अपने तरफ से काफी हाई फ्लाइंग ऑफेंस दिखाना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर रॉडरिक स्ट्रॉन्ग ने इस मैच के अंदर बैक ब्रेकर्स की बारिश कर दी, और एक के बाद एक मैट सैडल पर अपने खतरनाक मूव्स लगाकर आखिरकार रॉडरिक स्ट्रॉन्ग ने मैट सैडल पर अपना फिनिशर पेंडुलम बैक ब्रेकर लगा दिया और उन्हें पिन कर
कर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने मैच जीत लिया है और वो अब काफी बढ़िया पोजीशन के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि वो इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए मैच कब लेते हैं। पर इस सब के बाद फाइनली टाइम हो चुका था कोरियन शो के मेन इवेंट का, जहां पर मैं ब्रायन डेनसन और क्लूडियो कैसनोली एक टैग टीम मैच के अंदर एडी किंगस्टन और ओर्टिज को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और गाइस इस मैच की शुरुआत में ही ब्रायन इस मैच के अंदर क्राउड की तरफ टॉन्ट कर एडी को काफी क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो देखकर एडी ने इस मैच की शुरुआत में ब्रायन पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही ओर्टिज इस मैच के अंदर टैग लेकर आ गए, वैसे इस मैच का रुख बदला और यहाँ पर ब्रायन और क्लूडियो कैसनोली ने इस मैच के अंदर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने ओर्टिज पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, जहाँ पर ओर्टिज किसी भी तरीके से एक टैग चाहते थे। और आखिरकार जब ओर्टिज ने अटैक किया तो एडी किंगस्टन ने इस मैच के अंदर आकर अकेले ही ब्रायन डेनसन और क्लूडियो दोनों पर ही अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिस बीच हमें इस मैच के अंदर ओर्टिज और एडी किंगस्टन की तरफ से भी काफी बढ़िया टैग टीम मूव्स देखने को मिले है। और गाइस पूरा का पूरा क्राउड फिर एक बार इस मैच को लेकर काफी हाइप हो चुका था। पर यही पर इस मैच के क्लोजिंग मोमेंट्स के अंदर ब्रायन ने रिंग के अंदर ओर्टिज पर काफी खतरनाक अटैक करना स्टार्ट कर दिया और सरप्राइजिंगली क्लूडियो ने एडी के पैरों को इस तरीके से पकड़कर खींचा कि रोप से एडी किंगस्टन को एक लो ब्लो लगा, जिससे कि क्लूडियो ने एडी को यहां पर पकड़कर रखा था। और यहां पर ब्रायन ने एडी के सामने उनके काफी अच्छे दोस्त यानी कि ओर्टिज पर काफी खतरनाक अटैक कर दिया और एडी की तरफ देखकर उन्हें पिन कर ब्रायन ने अपने टीम के लिए मैच जीत लिया है। मानो कि ब्रायन कह रहे हो कि एडी ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। और आखिरकार ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने तो ये मैच जीत लिया, लेकिन जाते जाते ब्रायन एडी किंगस्टन के मुंह पर थूक कर चले गए और ये देखकर एडी किंगस्टन काफी गुस्सा हुए थे। पर ऐसे इस वीक का शो ऑफ एयर गया, जिस शो पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस फिर एक बार मुझे ये शो काफी पसंद आया है। पर आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing at all with me this time?